हेलो एवरीवन, इस सवाल में हमें मालूम करना है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज होती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि वाटर का मोलर मास बराबर होता है 18 ग्राम्स के, क्योंकि उसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम होता है जिसका मोलर मास होता है 16 ग्राम्स, और दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं जिसका मोलर मास होता है 2 ग्राम्स। यानी कि हाइड्रोजन का वाटर में मोलर मास होता है 2 ग्राम्स क्योंकि उसके दो एटम होते हैं। हमें सवाल में वो परसेंटेज मालूम करनी है जो हाइड्रोजन की वाटर में होती है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी चीज की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन अपॉन टोटल टाइम्स 100। तो जब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की या किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालना चाहूंगा किसी स्पेसिफिक कंपाउंड से, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100, यानी कि गिवन अपॉन टोटल टाइम्स 100। सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यूज को इनपुट कर दूंगा, परसेंटेज बराबर हो जाएगी 2/18 टाइम्स 100 के। 2/18 बराबर होगा 1/9 के, क्योंकि 2 1 2 2 9 18। परसेंटेज आ जाएगी 1/9 टाइम्स 100, परसेंटेज आ जाएगी 100/9। हमें पता है 9 के टेबल के 9 10 90, 9 11 99। तो हमारे पास परसेंटेज 11 से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा, यानी कि 11.1111% आएगी। आइए देखते हैं कि हमारा ये जवाब सही है या नहीं, और यही इसका सही जवाब है। शुक्रिया।